अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा था वो मैंने आप लोगों को इंटरवल से रिलेटेड बातें बताई थी कि इंटरवल को आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। अब जो हमारा टॉपिक है ना वो इनइक्वालिटीज का, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को डिस्कस करना है हमने। अब देखो इक्वेशंस में क्या होता है, इक्वेशंस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन हो, ऐसा एक तो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी वो चीज होती है, वो ऐसी इक्वेशन होती है जो हर वैल्यू पे ठीक होती है, अदर देन कोई अगर कोई डोमेन में रिस्ट्रिक्शन आ जाए। फॉर एग्जांपल आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हुए आए हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, आप थीटा की कोई भी वैल्यू यहां पे पुट कर दो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वन के बराबर होगा, तो इस वाली इक्वेशन को आप आइडेंटिटी कहते हो। एक इक्वेशन होती है जो नॉर्मली आप डील कर रहे होते हो, उसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं, जो किसी खास एक या कोई दो वैल्यूज पे ट्रू हो रही होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन जो है फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएबल के अंदर है तो वो एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई होती है। सिंपल लैंग्वेज में 2x इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन उसी वक्त ट्रू होगी जब आप x की जगह पे 2 पुट करोगे, तब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। अगर आप x की जगह 2 के अलावा कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन आ रहा होता है तो आप उसका सॉल्यूशन जब देखते हो तो उसके सॉल्यूशन में आपको नजर आता है कि यार जितने भी जो भी एक्स वैल्यूज होती हैं वो आप उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हो। कोई आइडेंटिटी है तो आप लिख दोगे यार कि इसमें थीटा जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ओवरऑल सबकी आप बात कर रहे होते हो, अनलेस कोई रिस्ट्रिक्शन अगर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी आइडेंटिटी है जैसे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, अब आपको पता है टेंजेंट के अंदर आप मल्टीपल ऑफ 90 पुट नहीं कर सकते, तो ये एंगल आपने पुट करो, बाकी कोई भी पुट करो ये आइडेंटिटी वेरीफाई हो रही होगी। इनइक्वालिटी के अंदर भी ये सिमिलर चीज होती है कि जब आप किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो ना, सॉल्व करने का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए एक्स इज ग्रेटर देन 2, अब ये जो इनइक्वालिटी है ना इसमें कोई एक आंसर नहीं आएगा, आपके पास एक ज्यादा से आंसर आ रहे होंगे। x is greater than 2 का मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यू x से ग्रेटर है वो सब इसके सॉल्यूशन में आ रही होंगे, तो इसमें वो कंडीशनल इक्वेशन का चक्कर नहीं होता कोई एक आंसर आ जाएगा या दो आंसर आ जाएंगे इसके अंदर। अच्छा अगर आपकी इनइक्वालिटी जो है वो जैसे x इज ग्रेटर देन 2 जो है इसमें एक ही वेरिएबल है तो रियल लाइन में आप देखोगे 2 से ग्रेटर जितनी x की वैल्यूज है वो इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन कभी होता है आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो दो वेरिएबल के अंदर है, x और y के अंदर है, तो जो उसके सॉल्यूशन आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम ग्राफिंग भी जब करेंगे तब ये बातें सीखेंगे, डिपेंड करेगा जो इनइक्वालिटी है उसके मुताबिक हम चल रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखो तो एक्स के अंदर इनइक्वालिटी आ रही होती है उसको आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ना वो है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। जहां तक बात दो वेरिएबल के अंदर है तो वो एक मैं टॉपिक करवाऊंगा जिसमें इनइक्वालिटी को हम ग्राफ कर रहे होंगे, तो वहां पे मैं आपको बता भी दूंगा कि दो इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है, वहां पे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे होते हो क्योंकि लिस्ट नहीं आप बना सकते, लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता आपके लिए। एक वेरिएबल के अंदर तो आप नोटेशन यूज करके बता देते हो ना, इंटरवल नोटेशन यूज कर लो या इनइक्वालिटी यूज कर लो, दो वेरिएबल के अंदर ऐसा होता नहीं है, तो आप ग्राफ के जरिए से बता रहे हो तो ये पूरा इसका शेड करके कि ये पूरा सॉल्यूशन रीजन है इसका। वो इंशाल्लाह जब ग्राफ का टॉपिक आएगा जब इनइक्वालिटी को ग्राफ करेंगे तब दो वेरिएबल के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी जो भी आप एग्जांपल देखोगे वो एक्स एक ही वेरिएबल के अंदर आ रही होगी, वो वेरिएबल शायद चेंज करके वाई देते हैं आपको, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन एक ही वेरिएबल होगा। बाकी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए, काफी चीजें पूछी जा रही होती हैं, तो जो टॉपिक है हमारा वो है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। आपके पास इनइक्वालिटीज आएंगी, आपने उनको सॉल्व करना होगा। अच्छा इनइक्वालिटीज क्या है, जैसे इक्वेशन में इक्वल का साइन आता है तो इनइक्वालिटीज में इक्वल का साइन नहीं होता, कौन कौन से होंगे, ग्रेटर देन। अब मैं जरा आपको साइन के ना मतलब बता देता हूं, ये जो पहला लिखा मैंने इसको आप कहते हो ग्रेटर देन का, और अगर इस तरह लिखा जाए और उसके नीचे लाइन लगाई जाए इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर होता है लेस देन का, और फिर होता है लेस देन और इक्वल टू 2। ये चार इनइक्वालिटीज आपको नजर आएंगी, कोई भी आपको गिवन होगी उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना होगा। मैं जरा नाम भी लिख देता हूं इनका कि ये है ग्रेटर देन, अच्छा जी इस इनइक्वालिटी का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं बताता हूं सेटिस्फाई कब होंगी, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ये होगी लेस देन, अच्छा जी, और ये हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू। अब ये बच्चों का सवाल होता है जो मैं यहां पे क्लियर करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर लिखो कि 2 इज ग्रेटर देन 1, अब इसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं, स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं कि 1 इज लेस देन 2,
ये भी बात बोली जा सकती है ना, बट टू इज ग्रेटर देन टू का मतलब वन इज लेस देन टू, ये भी आप बात बोल सकते हो। लेकिन हम नॉर्मली वही जुमला यूज करते हैं, जैसे दो जुमले आप यहां पे बोल सकते हो, टू इज ग्रेटर देन वन या वन इज लेस देन टू, हम वो वाला इस्तेमाल करते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड से हम पढ़ रहे होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर होता है हम उसके रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं। जैसे टू है ना, तो हम इसके रेफरेंस से बात करेंगे टू इज ग्रेटर देन वन। दैट्स व्हाई ये जो सिंबल है ना, ये ग्रेटर देन के लिए यूज होता है, क्योंकि अगर आप दोनों स्टेटमेंट को बोलोगे ठीक है तो फिर सिंबल डिफाइन नहीं कर सकते ना आप, भाई टू इज ग्रेटर देन वन ये ग्रेटर का सिंबल है, वन इज लेस देन टू तो अब ये लेस का बन जाएगा, ये मसला हो जाएगा। तो आपका ख्याल ये रखना है कि जो सिंबल को डिफाइन किया गया है ना कि ग्रेटर देन का सिंबल है, तो वो वजह ये है कि हम लेफ्ट से बात कर रहे होते हैं, और अगर ये सिंबल बना होता है लेफ्ट पे जो भी नंबर होता है वो ग्रेटर होता है, दैट्स व्हाई ग्रेटर का नाम दिया हुआ है। अगर आपके पास एक कंपाउंड इनइक्वालिटी आ रही है कि इस टाइप की, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज, ये वाला सीन है, तो इस इनइक्वालिटी को पढ़ने का तरीका फिर हम लेफ्ट से नहीं पढ़ रहे होते, हम एक्स के रेफरेंस से बात कर रहे होंगे कि यार एक्स इज ग्रेटर देन टू एंड एक्स इज लेस देन फोर, ठीक है। तो अब ये सिंबल ग्रेटर का नहीं बन गया, कंपाउंड में थोड़ा सीन हम अलग कर देते हैं। एक होता है कि सिंपल आपके पास इनइक्वालिटी लिखी हुई है उसमें आप इस तरीके से कर रहे होते हो, और अगर कंपाउंड इनइक्वालिटी आई हुई है तो आप एक्स के रेफरेंस से बात कर रहे होते हो कि एक्स टू से ग्रेटर है, एक्स लेस देन फोर है। तो पढ़ने का तरीका यहां पे ये होता है, यहां पे ये होता है, तो इस तरीके के मुताबिक दैट्स व्हाई ग्रेटर का नाम दिया हुआ है। इसी तरह अगर आपके पास ये चीज आ जाए तो स्टेटमेंट तो ठीक है, फोर इज ग्रेटर देन टू, लेकिन आप ये पढ़ोगे नहीं, आप इस वाले सीन में पढ़ोगे टू इज लेस देन फोर, दैट्स व्हाई इसको हम लेस का कह रहे होते हैं। इसकी इजीली पहचान भी होती है कि जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है ना वो चीज ग्रेटर होती है। अगर आप पेपर में भूल जाओ ना कि यार लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है वो ग्रेटर है या वो लेस है, तो आप देखो इस इनइक्वालिटी का मुंह उस तरफ खुला हुआ है या इस तरफ खुला हुआ है। अगर मुंह उस तरफ खुला हुआ है इसका मतलब ये चीज जो है ये लेस होगी, वो वाली चीज ग्रेटर होगी, तो आप बोल दोगे टू इज लेस देन फोर। तो दैट्स व्हाई इनके सिंबल के नाम उन्होंने इस तरीके से रखे हैं। बहरहाल अब अगर आप आओ तो अच्छा कॉन्सेप्ट ही होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू है, भाई टू जो है वो फोर से लेस होता है। इसी तरह अगर मैं यही चीज लिखूं तो ये वाली इनइक्वालिटी भी ठीक है। ये कंफ्यूजन आमतौर पर बच्चों को होती है, भाई जरूरी नहीं कि टू हमेशा लेस होगा इस चीज से, जब आपको ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल नजर आए ना तो दरमियान में अगर आप ऑब्जर्व करो और आ रहा है, इसी तरह यहां पे भी और आ रहा है। और लॉजिकल ग्रुप थ्योरी में एक स्टेटमेंट में जब और आता है तो उसका मतलब ये होता है कि या तो पहली वाली चीज ठीक हो जाए या दूसरी वाली चीज ठीक हो जाए, बैक वक्त दोनों भी ठीक हो सकती है किसी सिचुएशन में, तो तब भी वो स्टेटमेंट ठीक होगी, लेकिन एटलीस्ट कोई एक स्टेटमेंट ठीक हो। यहां पे अगर इनइक्वालिटी के सेंस में आओ तो एक बात ठीक होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है एक ही बात ठीक होगी, बैक वक्त दो बातें इनइक्वालिटी में ठीक नहीं हो सकती कि भाई टू लेस देन भी टू हो और इक्वल भी, ये सेंस नहीं बनेगी। तो यहां पे मतलब इसका ये है कि भाई अगर और आ जाए ना तो वो कहेंगे भाई किसी एक स्टेटमेंट को ठीक कर दो, या तो वो चीज लेस हो तो तब भी ये ठीक मानी जाएगी, या वो चीज इक्वल हो तब भी ये ठीक मानी जाएगी। हाँ अगर ये चीज आ जाएगी तो अब ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भाई ना तो टू लेस है वन से ना टू इक्वल है वन के, तो अब तो ये स्टेटमेंट ही आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो थोड़ी सी बेसिक बातें ये, इनको जरा आप नोट कर लेना। अच्छा अब कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। रूल्स कहने का मतलब ये है कि आपने सॉल्व किस तरीके से करना है जब भी आपके पास कोई इनइक्वालिटी आएगी। इस टॉपिक को मैं थोड़ी डिटेल में इसलिए जा रहा हूं कि मैंने पहले बताया था जिन स्टूडेंट को मैं टारगेट कर रहा हूं और सिंध बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इनइक्वालिटी का पोर्शन है नहीं, तो ये काफी चीजें उनकी वीक है। तो हमने पढ़ना है रूल्स, रूल्स मैं लिखवाऊंगा नहीं, वैसे आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होगे ना तो जो सेफ ऑपरेशन होते हैं, सेफ ऑपरेशन का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्टेटमेंट है कि टू इज लेस देन फोर, आप सबसे पहली बात दोनों तरफ कुछ भी ऐड करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं दोनों तरफ टू ऐड करवा रहा हूं, तो यहां पे टू ऐड करवाऊंगा फोर, यहां पे टू ऐड करवाऊंगा सिक्स, स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल, फोर इज लेस देन सिक्स, इसका मतलब जब आप कुछ ऐड करवाओगे कोई इशू नहीं है। अगर आप कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हो तो करवा लो भाई, कोई इशू नहीं। अगर इसके पार्ट वन लिख देते हैं इसको, अगर मैं दोनों तरफ माइनस टू कर दूं, माइनस टू को ऐड करवा दूं या टू को सब्ट्रैक्ट करवा दूं, एक ही मतलब है, तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा टू। अभी भी बिल्कुल सही बात है, जीरो लेस देन टू होता है, स्टेटमेंट अभी भी ठीक है, बिल्कुल इनइक्वालिटी। अच्छा अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो भी स्टेटमेंट ठीक होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि यार इस इनइक्वालिटी को ना मैं टू से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसको टू से करूंगा ये फोर हो जाएगा, इसको टू से करूं ये एट हो जाएगा, अभी भी स्टेटमेंट आपके ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई मैंने किया पॉजिटिव नंबर से, अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये सिचुएशन नहीं होगी, आप खुद देख सकते हो कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब मैं इसको माइनस टू से करूंगा ये हो जाएगा माइनस फोर, और जब मैं इसको माइनस टू से करूंगा ये हो जाएगा माइनस एट।
अब आपके पास पता है नेगेटिव में जितना नंबर आपको बड़ा लगता है ना उतना वो छोटा होता है, तो माइनस फोर बड़ा नंबर है, माइनस एट छोटा नंबर है, क्योंकि नेगेटिव में अगर बड़ा हो वो उतना छोटा होता है, तो माइनस एट दिखने में लग रहा है लेकिन ये छोटा है एज कंपेयर टू माइनस फोर। तो क्या माइनस फोर लेस है माइनस एट से? नहीं, माइनस फोर ग्रेटर है माइनस एट से। तो अब आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? है फॉल्स होगी। तो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आपको इनइक्वालिटी का जो साइन है ना उसको डिफरेंट करना है, स्वैप करना है उसको। जैसे इनइक्वालिटी का साइन इस तरफ था, आपने क्या करना है उसको इस तरफ करना है, तब आपकी स्टेटमेंट ठीक मानी जाएगी, वरना आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये कब काम करोगे आप? दो सिचुएशन में होता है। पहली सिचुएशन वो होती है कि जिसमें आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नेगेटिव नंबर से, या किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, उसके अंदर भी ये होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको माइनस टू से डिवाइड करता हूं, जब मैं इसको माइनस टू से डिवाइड करूंगा माइनस वन हो जाएगा, इसको माइनस टू से करूंगा ये माइनस टू हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट गलत है, माइनस वन जो है वो माइनस टू से लेस नहीं होता। तो क्या करना है आपको? इसका साइन चेंज करना है। तो बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना जरूरी है। अगर लेस देन इक्वल टू का है तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू का करना पड़ जाएगा, ये फर्क होगा, बाकी तो कोई फर्क नहीं। दूसरी सिचुएशन होती है कि जैसे नॉर्मली आप इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, आपको इक्वेशन सॉल्व करने आपके पास ये सीन आया है, फॉर एग्जाम्पल टू इज इक्वल टू एक्स, तो देखने में हम अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं कि यार चलो इसको एक्स इक्वल टू कर देते हैं और हम इसको आंसर कह देते हैं। इक्वेलिटी में तो इक्वेशन के अंदर तो ये बात बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जब इन इक्वेलिटी आती है तब ये बात ठीक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ रहा है कि टू इज लेस देन एक्स, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट ये लिख देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। इनइक्वालिटी में आप ये काम नहीं कर सकते। अगर इनइक्वालिटी में आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेंज कर रहे हो तो फिर साइन को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको x के रेफरेंस से पढ़ो तो ये क्या है कि x इज ग्रेटर देन 2, यही मतलब बनेगा ना इसका, क्योंकि जब अननोन होता है ना तो आप इनइक्वालिटी को उसके रेफरेंस से पढ़ रहे होते। जैसे अननोन यहां पे x है तो अब मैं कोई लेफ्ट साइड से नहीं पढ़ रहा हूंगा, मैं इन जो वेरिएबल है उसकी रेफरेंस से ही पढ़ रहा हूंगा मैं, तो x इज ग्रेटर देन 2 आप यहां पे बोलोगे। लेकिन अगर आपने पोजीशन चेंज किया और साइन चेंज नहीं किया तो अब ये क्या बन गया? एक्स इज लेस देन टू, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड को चेंज करो तो आपने साइन भी इसका चेंज करना होगा। इस बात को आप याद रखें ना कि आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड को चेंज किया तो फिर साइन जो है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दो मौके हैं जिसपे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, बाकी आप किसी नंबर को एड करवाओ, सब्ट्रैक्ट करवाओ, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ, डिवाइड करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये कुछ रूल्स थे, ये मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको जरा हम देख लेते हैं, वो रिजल्ट्स कभी आपसे किसी सॉल्यूशन में भी शायद काम आ जाए या वैसे आपसे पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास एक तो वही है कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई और आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, या कभी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का मतलब माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाना, तो आपने साइन चेंज करना होता है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है जो कि जीरो से ग्रेटर है, ये मैं रिजल्ट करवा रहा हूं, कुछ रिजल्ट्स हैं तो उसकी हेडिंग ही बना देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नंबर है ए, कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब बताया जा रहा है कि वो पॉजिटिव है, तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है ना उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर एक नंबर टू है फॉर एग्जाम्पल, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2, वो भी जीरो से ग्रेटर होगा। और इसी तरह अगर नंबर लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। वे बात बड़ी इजी है, माइनस टू है, माइनस टू का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-2 मतलब -0.5 जो कि डेफिनेटली जीरो से कम होता है। तो ये बात बहुत बेसिक है लेकिन सिंबल की फॉर्म में आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, आप क्या करते हो? देखो इक्वेशन में तो बड़ा इजी होता था, आप हर काम कर लिया करते थे, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल करना है वहां भी कर लेते हो, लेकिन यहां पे लाइफ इतनी इजी नहीं है आपकी। फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है और आप क्या करना चाह रहे हो? आप रेसिप्रोकल करना चाह रहे हो दोनों साइड को। इक्वेशन में तो अलाउड होता था आपको दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर दो, लेकिन जब इनइक्वालिटी में करोगे ना तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। अगर इस तरफ है तो ये इस तरफ होगा। और इसी कंडीशन भी है, इसी कंडीशन ये है कि इफ ए बी आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है टू इज ग्रेटर देन वन, या वन को चलो छोड़ देते हैं, थ्री इज ग्रेटर देन टू,
आप क्या करना चाह रहे हो, आप इसको रेसिप्रोकल करना चाह रहे हो दोनों साइड को, तो रेसिप्रोकल करो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2। अब 1/3 जो है वो 0.33 होता है, जबकि 1/2 0.5 होता है। अब 0.3 क्या ग्रेटर होता है 0.5 से? नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, साइन चेंज करना है आपको, जो मैंने यहां पे लिखा था कि अगर दो पॉजिटिव नंबर आपस में ग्रेटर है या लेस है, कोई भी उनके दरमियान रिलेशन है, जब आप उनका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। इसी तरह अगर वो दोनों नंबर नेगेटिव है तब भी यही काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि -3 इज लेस देन -2, ये आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसको रेसिप्रोकल करते हो, ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -1/2, साइन आपने भी चेंज नहीं किया, देखना एरर आ जाएगा। तो -3 आपको पता है -2 से कम होता है, -1/3 क्या होता है, -1/3 होता है -0.3 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके या 3/4 कर लेते हैं, और ये हो जाएगा -0.5। आपको पता है नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, तो -0.34 बड़ा होगा -0.5 से, नेगेटिव नंबर बड़ा उतना छोटा होता है, तो स्टेटमेंट तो गलत होगी, -0.34 लेस तो नहीं होता -0.5 से, इसका मतलब आपको साइन चेंज करना है यहां पे, तो साइन आप यहां पे इस तरह चेंज करोगे तब आपकी स्टेटमेंट ठीक होगी। तो अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है या दोनों नेगेटिव नंबर है, कोई भी रिलेशन है उनके दरमियान, जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर दोनों पॉजिटिव अगर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, फिर तो मसला ही नहीं होता, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 इज ग्रेटर देन -3, आपको पता है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये रिलेशन होगा कि पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, ऐसे ही होगा हमेशा। या अगर आप उल्टा कर दो, इस तरह लिख दो कि -3 इज लेस देन 2, ये भी आप कह सकते हो, नेगेटिव नंबर छोटा होगा हर केस में। इस वाले केस में बोलोगे नेगेटिव नंबर छोटा है, इसमें बोलोगे पॉजिटिव नंबर बड़ा है, मतलब कहने के अतबार से। तो जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे तो बात तो वही रहेगी, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, तो अभी भी जब ये पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर ही होगा। इसी तरह नेगेटिव नंबर है तो ये हमेशा लेस ही रहेगा, तो इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं और आप रेसिप्रोकल करते हो, तब आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा एक तरीका होता है जो मैंने नोट किया आमतौर पर चीज को लिखने का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कंपाउंड इनइक्वालिटी लिखता हूं, जैसे ये लिखा है 2 इज, ये चीज लिखी जाए, तो मैंने बताया कि जब आपके पास अननोन होता है ना, तो आप फिर अननोन के रेफरेंस से उस इनइक्वालिटी को पढ़ रहे होते हो। अगर नंबर्स होते हैं तो फिर आप वो लेफ्ट हैंड साइड से ही मैंने बताया पढ़ रहे होते, जैसे 2 इज लेस देन 4 फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर वेरिएबल है तो फिर आप उसके रिस्पेक्ट से पढ़ रहे होते हो। तो आप यहां पर पढ़ोगे एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड एक्स इज लेस देन 4। जब भी इनइक्वालिटी इस तरह लिखी जाती है ना, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होती है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो चीज है ना, मैं आपको जरा फर्क बताता हूं, मैं अभी से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये आगे जाके ना एब्सोल्यूट वैल्यू जब मैं मॉड वाली इनइक्वालिटी करवाऊंगा तभी कंफ्यूजन काफी होती है। मैं अभी से बात क्लियर कर देता हूं, वो बात क्या है जरा देखो। कुछ ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास, जैसे मैं अभी से बता देता हूं कि आपके पास आता है कि एक्स जो है वो लेस है 2 से और एक्स जो है वो ग्रेटर है -2 से, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी बना देते हैं हम कि एक्स जो है वो ग्रेटर है 2 से और एक्स जो है वो लेस है -2 से। ये दोनों सिचुएशन आपके पास आएंगे जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे। कौन सी इनइक्वालिटी है मैं बता देता हूं, ये वाली इनइक्वालिटी, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सिचुएशन आएगी, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली सिचुएशन आ रही होगी। तो ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, आगे जाके चीज आएगी, मैं अभी से बात आपको क्लियर कर रहा हूं। अब होता यह है कि कंपाउंड इनइक्वालिटी जब आप लिखते हो इस फॉर्म में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो एक्स है ना दरमियान में, ये बैक वक्त दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों बातों का मतलब कि एक्स 2 से ग्रेटर भी है एंड एक्स जो है वो 4 से लेस भी है। इसमें एंड आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन एंड ये समझ लो कि एक इंप्लाइड है, इसके अंदर के एंड मौजूद है। कंपाउंड इक्वालिटी जब भी आप लिखते हो उसका मतलब दोनों स्टेटमेंट बैक वक्त ट्रू है उसके अंदर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे नंबर्स आपको पता है जो 2 से ग्रेटर है, 4 से कम है, 3 है, 3.5, 2.5, बेतहाशा है नंबर है ऐसे। जैसे ये सिचुएशन है कि x लेस देन 2 है, x ग्रेटर है -2, इसको कंपाउंड इनइक्वालिटी की फॉर्म में आप लिख सकते हो इस तरीके से। बात बिल्कुल ठीक है भाई, x 2 से लेस था तो x इज लेस देन 2, x -2 से ग्रेटर था, x -2 से ग्रेटर है, तो आप इसको कंपाउंड इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे ना तो सॉल्यूशन ये आ रहा होगा। तो आप इसको लिखो एंड करके, अब वो चीज अजीब सी लगेगी, मैं इसको कंपाउंड इनइक्वालिटी में लिख दूंगा, उसका मतलब ही यही है कि x जो है वो ग्रेटर है -2 से, x जो है वो लेसर 2 से, एंड आ रहा होता है इसके दरमियान। आमतौर पर अगर आप देखोगे इसको भी कोई कंपाउंड इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख देते हैं, और मैं बताता हूं किस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको इस तरह लिखा जाता है, ये सिचुएशन बनाई जाती है, नहीं एक सेकेंड, ये
बजायर आपको देखने में तो बात बिल्कुल ठीक लग रही है। अब ये ऊपर क्या लिखा हुआ था कि x 2 से ग्रेटर है, नीचे भी देखो x इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल सही बात है। x इज लेस देन माइनस 2, x इज लेस देन माइनस 2, दिखने में तो आपको अच्छा। इसके दरमियान और होता है हमेशा, और वजह ही मैं बता रहा हूं कि और हो क्यों रहा है। नॉर्मली इसको इसके सॉल्यूशन में और नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट ये दो चीजें लिख दी जाती हैं और वही कंफ्यूजन होती है, बच्चे उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये फॉर्म अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं, जरा उसको गौर से देखो। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो, मतलब x लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना, तो ऐसा कोई भी x नहीं है जो 2 से ग्रेटर हो और माइनस 2 से कम हो। भाई कोई ऐसा नंबर है जो 2 से ग्रेटर हो जबकि माइनस 2 से कम हो? ऐसा है ही नहीं। 2 से ग्रेटर 5 है फॉर एग्जांपल, तो 5 माइनस 2 से कम होगा क्या? नहीं। 2 से ग्रेटर फॉर एग्जांपल 3 है, 3 क्या माइनस 2 से कम है? नहीं। इसका मतलब इस वाली चीज को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको गौर करना। आप इस चीज को और की फॉर्म में ही लिखोगे, या बेशक और ना लिखो, आप कॉमा लगा के लिख दो, इंप्लाइड है इसके अंदर के और वाला कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये बात बैक वक्त सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से ग्रेटर हो और साथ साथ वो माइनस 2 से कम हो। तो जब एक साथ ही चीज नहीं हो सकती तो आप इसको कंपाउंड इनइक्वालिटी की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, तो ये चीज लिखना टोटली गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं। कंपाउंड इक्वालिटी का मतलब है कि वो दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हो एक साथ, जबकि दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई कभी भी नहीं होंगी। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक साथ इन दो बातों को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कंफ्यूजन काफी होती है। दैट्स व्हाई जब मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा ना, तो मैं इसका सॉल्यूशन ये लिख दूंगा कि x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन माइनस 2, या तो वो 2 से ग्रेटर होगा या वो माइनस 2 से कम होगा। जबकि इसमें आप देखो, इसमें मेक सेंस कर रहा है कि x 2 से कम कम है लेकिन x माइनस 2 से ग्रेटर भी है, तो फिर इसमें दरमियान का सॉल्यूशन क्या होगा कि भाई माइनस 2 से ग्रेटर और 2 से कम। नंबर लाइन पर अगर आप लिखोगे तो आप इस तरह लिख रहे हो, ये वो पूरा रीजन है जिसमें सारे एक्स लाई कर रहे होंगे, जो कि माइनस 2 से ग्रेटर है जबकि 2 से कम कम है। इसमें दोनों बातों को आपने सेटिस्फाई करना होता है, तो दैट्स व्हाई आप कंपाउंड इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख रहे होते हो। इसी तरह ये जो मैं पॉइंट आपको बताने लगा था, एक पॉइंट तो मैंने ये क्लियर कर दिया, एक पॉइंट यहां पे क्लियर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई थी कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 4। इस चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक ही बात है, फर्क नहीं है इसके अंदर। भाई इसका मतलब क्या आता है, वो नंबर जो 2 से ग्रेटर हो और 4 से कम हो। इसका मतलब भी तो यही है ना कि x जो है वो 2 से ग्रेटर है और x जो है वो 4 से लेस है, बात तो एक ही है। लेकिन ये जो है ना, ये अच्छा तरीका नहीं है लिखने का। अच्छा तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे वो नंबर लिखते हो जो छोटा है, राइट हैंड साइड पे वो नंबर लिखते हो कंपाउंड इनइक्वालिटी में जो बड़ा है। ये तरीका होता है, इनइक्वालिटी के सिंबल इस तरीके से जा रहे होते हैं, मतलब ये लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। ये मैथमेटिकल आप इसको गलत नहीं बोलोगे, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये अगर लिखना है ना आपने, तो गुड तरीका ये होता है, गुड वे में लिख देता हूं। अच्छा तरीका ये कि आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे ना कि आप इस फॉर्म में लिखो। तो अगर कभी सॉल्व करते हुए इस फॉर्म में आए तो कन्वर्ट कर लेना, 4 को इधर 2 को इधर ले जाना और सिंबल को दूसरी तरफ आप कर लेना, मतलब सेम ही है लेकिन जो तरीका है वो ज्यादा, जो पहले मैंने लिखवाया है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही कंफ्यूजन क्लियर हो गया भाई। उसके बाद एक आखिरी हम देख लेते हैं, और वो है कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे लिखवा देता हूं, एक ही आखिरी पॉइंट है कि अगर x जो है वो ग्रेटर है y से, तो फिर उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो वो भी ग्रेटर होगा y स्क्वायर के। लेकिन इसमें इंप्लाइड है कि इफ x y आर बोथ पॉजिटिव, अगर ये दो पॉजिटिव नंबर है तब आप ये काम कर सकते हो, वैसे आप ये काम जो है वो नहीं कर सकते। मैं उसकी एग्जाम्पल दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो ग्रेटर, नहीं 2 को छोड़ो, 3 जो है वो ग्रेटर है 2 से, बात बिल्कुल ठीक है। जब आप इनके स्क्वायर करोगे तो वो भी ग्रेटर होंगे। भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 2 का स्क्वायर 4, तो इनके स्क्वायर भी ग्रेटर है आपस में, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर दो नेगेटिव नंबर हो तो मसला हो सकता है। मैं बता दूं मसला क्या है, आपको पता है माइनस 2 जो है वो ग्रेटर होता है माइनस 5 से। नेगेटिव नंबर जितना छोटा है वो उतना बड़ा होता है, माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 5। लेकिन जब आप इनकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। स्क्वायरिंग जब आप करते हो नेगेटिव हट जाता है। तो अब ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, 4 25 से ग्रेटर नहीं होता, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जहन में रखना, जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो। अगर वो दोनों नंबर नेगेटिव है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मसला खराब हो जाएगा आपका। तो अभी मैंने लिखवाया है कि अगर x इज ग्रेटर देन y, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि x स्क्वायर भी ग्रेटर होगा y स्क्वायर के, प्रोवाइडेड कि x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए।
अगर नेगेटिव होंगे तो मसला तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, जब भी दो नंबर नेगेटिव होंगे तो हर मामले में स्टेटमेंट गलत होगी, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कुछ मामलों में ठीक होगी कुछ में गलत होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 इज ग्रेटर होता है माइनस 1 के, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, आप स्क्वायरिंग करो ये 4 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है 4 इज ग्रेटर देन 1 इस वाले सिचुएशन में तो ठीक है ये। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी सिचुएशन बनाऊं कि 2 इज ग्रेटर देन माइनस 5, स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल 2 ग्रेटर है माइनस 5 के, लेकिन जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी, अब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना तो कभी ठीक होगी कभी गलत होगी, तो दैट्स वाई हम उसके बारे में बताते नहीं है वो आप, क्योंकि कभी आपके पास अननोन्स होते हैं ना, एक्स आ गया वाई आ गया, अब आपने दो केसेस डिस्कस करने हैं कि जब एक्स और वाई पॉजिटिव हैं तो फिर आप आसानी से काम कर सकते हो, और अगर एक्स वाई नेगेटिव है तो आपने साइन चेंज करना है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उसमें क्लियर नहीं होता क्योंकि किसी सिचुएशन में ठीक है किसी में गलत है, तो इसके बारे में हम फिर करते ही नहीं है। तो नेगेटिव के अंदर आप साइन चेंज करोगे अगर दोनों नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो साइन वही रहेगा। तो बच्चों ये कुछ रिजल्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए, अब वक्त आगे कि हम कुछ इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन मैंने डिफरेंट इनइक्वालिटीज आप लोगों को करवानी है, जिसमें से सबसे मैं बता देता हूं, सबसे पहले हम करेंगे ऐसी इनइक्वालिटीज जिसमें पॉलिनोमियल आ रहा होता है, अब उसकी हम 3-4 ही लेंगे, 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे शायद, ये 3 किस्म के एग्जाम्पल है, कि या तो लीनियर इनइक्वालिटी हो कि लीनियर आपके पास आ रहा हो वेरिएबल की पावर 1 हो उसके अंदर, एक हम क्वाड्रेटिक ले लेंगे कि जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, एक हम एक जनरलाइज ले लेंगे कि कुछ भी हो सकती है, जो बड़ी इक्वेशन होती है ना उसको फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो नॉर्मली अगर बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है ना तो उसको फैक्टर करके दे देते हैं, वो मैं बता दूंगा तरीका जिस तरीके से वो दे रहे होते हैं। तो पॉलिनोमियल जो आ रहे होते हैं इनइक्वालिटीज में वो 2-3 कैटेगरी होती है, लीनियर आ जाएगा क्वाड्रेटिक आ जाएगा ठीक है, या कुछ बड़ी डिग्री का आ जाएगा लेकिन वो थोड़ा इजी फॉर्म में आएगा, तो जरा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लीनियर को डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज आते हैं ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए कि आपने सॉल्व करना है, पहली एग्जांपल है 2x-1 इज लेस देन x+3, ये आपके पास इनइक्वालिटी आ जाए, बहुत बेसिक सी इनइक्वालिटी है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, अच्छा ये कंपाउंड नहीं है सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी का साइन है, जैसे आपने इक्वेशंस में देखा होगा ना कि जैसे लॉ ऑफ साइन हुआ करता था, दो इक्वल के साइन आते थे तो हमें सॉल्व करना इतना मजा नहीं आता था, तो हम उसको पेयर बनाया करते थे कि साइन अल्फा अपॉन ए और साइन बीटा अपॉन बी को इक्वल रखेंगे, या साइन अल्फा अपॉन ए या साइन गैमा अपॉन सी को एक साथ रखेंगे, तो वही सीन है, एक इनइक्वालिटी तो आसानी से कर लेते हो, जब दो साइन आ रहे होते हैं ना इनइक्वालिटी के वहां पे कभी मसला होता है, हम अलग अलग कभी कर लेते हैं या कभी हम एक साथ भी कर सकते हैं, वहां पे थोड़े इशू आ सकते हैं, लेकिन ये तो बड़ा इजी होता है, आपने वेरिएबल को एक तरफ करना है, किस तरीके से कि आपको यहां पे अच्छा दो जुगाड़ होती है, मैं पहले से आपको क्लियर कर दूं, बहुत बेसिक सी लेवल की बात है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये सीन लिखा हुआ है कि एक्स इज इसको हम इस तरह कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेसिक सी बात हम करते हैं कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी लिखी हुई है, आपने इस -1 को हटाना है यहां पे, तो जुगाड़ ये होती है, लेकिन जुगाड़ हर केस में वैलिड नहीं है, दैट्स व्हाई मैं जुगाड़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कुछ केसेस में चल जाती है कि -1 है ना यहाँ पे, तो हम पढ़ते थे कि इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2+1 3, फिर 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अब ये जुगाड़ कुछ केसेस में तो काम आएगी, कभी ये फेल हो जाती है, फेल होने का मतलब कंफ्यूजन क्या आएगी इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर इनइक्वालिटी ये है तो अब बच्चों को अगर आदत होगी वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 को मैं डिवाइड कर देता जाके, और उसको आंसर लिख देंगे, हालांकि ये बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, याद रखना है -1 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, इसका करेक्ट रीजन क्या होता है कि अगर आपने -1 को यहां से हटाना है तो आप दोनों तरफ 1 को ऐड करवाओगे, यहां पे 1 को ऐड करवा दिया, यहां पे 1 को ऐड करवा दिया, ये वाला 1 और ये वाला -1 कैंसिल, 2+1 3 होता है, तो ये -+ का तो मैंने आपको बता दिया, उधर जाके नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, ये सीन। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है, क्या आपने बोला यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी करेक्ट रीजन क्या होती है, इसका ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने -2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इस -2 को आपने हटाना है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड, आप क्या करोगे आप -2 से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ, ये वाला -2 से कैंसिल और ये आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी। अब यहां पे आपको पता है इनइक्वालिटी है, मैंने पहले बताया था जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो अगर आपको ये करेक्ट पता हो ना तो आपको पता है आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो साइन आपको चेंज करना पड़ेगा,
अगर आपने जुगाड़ याद की होगी ना कि माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो बेस कोशिश करो कि जो करेक्ट इसकी मैथ की रीजंस होती है ना उसी को फॉलो करो कि मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों तरफ बाय माइनस टू, तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज का थोड़ा खास ख्याल रखना। अब जैसे मुझे माइनस वन हटाना है और लेके जाना है तो आप दोनों तरफ वन को ऐड करवा दो, यहां पे वन को ऐड करवाओ खत्म हो जाएगा, वहां पे वन को ऐड करवाओ तो वो फोर हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अब मुझे पता है मुझे एक्स को यहां पे लाना है। अब इन वाले केसेस में तो जुगाड़ आप ले लो, लेकिन अगर आप, क्योंकि मैं भी जुगाड़ को फॉलो करता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब माइनस टू ये वाली सिचुएशन आती है तो मैं समझ जाता हूं हाँ भाई चेंज करना है। तो आप लोग भी कोशिश करना कि इन चीजों के बारे में आपको पता हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक्स को यहां पे लेके आना चाह रहे हो, मतलब राइट हैंड साइड से एक्स को हटाना चाह रहे हो, तो आप दोनों तरफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करवा दो। यहां पे जब आप माइनस एक्स ऐड करवाओगे तो ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे माइनस एक्स लाओगे तो इस तरह आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स इज लेस देन फोर। ये आपका सॉल्यूशन आया। अब इस सॉल्यूशन का मतलब ये क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ये कि जब आप एक्स की कोई भी वैल्यू फोर से कम कम पुट करोगे इनइक्वालिटी के अंदर तो वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। पुट करके देख लो, फॉर एग्जाम्पल फोर से कम कोई वैल्यू हम इजिली पुट करते हैं थ्री, वैसे इसके रियल होते हैं, फोर से कम थ्री टू वन नहीं है, ये तो इंटीजर्स हो जाएंगे ना, फोर से कम सब रियल नंबर है, तो 3.9, 3.8, 3.84 ये सब इसके अंदर आते हैं। लेकिन आसानी के तौर पे हमको इजी एग्जांपल लेट करते हैं, फोर से कम फॉर एग्जांपल थ्री हम लेते हैं। आप यहां पे थ्री पुट करो, जब एक्स की जगह आप थ्री पुट करोगे टू थ्री जा सिक्स माइनस वन, यहां पे भी आप थ्री पुट करो ये हो जाएगा थ्री प्लस थ्री। सिक्स माइनस वन क्या होता है? नहीं एक सेकेंड, एक्स इज लेस देन थ्री तो टू को थ्री से मल्टीप्लाई, नहीं एक सेकेंड इशू है यहां पे, माइनस में जाके पॉजिटिव हुआ तो फोर, इधर आके नेगेटिव हो गया एक्स, एक्स इज लेस देन फोर आ रहा है। तो फोर से कम फॉर एग्जाम्पल थ्री आपने पुट किया, थ्री टू सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, हाँ बिल्कुल सही है, मैं कुछ और जहन में आ गया था, तो सिक्स माइनस वन फाइव हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया। तो अगर आप स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, फाइव इज लेस देन सिक्स, फाइव सिक्स से कम होता है। कोई और वैल्यू पुट कर लो, कोई नेगेटिव पुट करके देख लो, क्योंकि एक्स इज लेस देन फोर में नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल माइनस टू पुट करके देख लेते हैं, तो जब माइनस टू यहां पे पुट करोगे हो जाएगा माइनस फोर माइनस वन, और यहां पे माइनस टू पुट करो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव, ये हो जाएगा माइनस वन, सॉरी पॉजिटिव वन, तो माइनस फाइव वन से कम होता है, अभी भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है। तो अब एक्स की कोई भी वैल्यू लेस देन फोर पुट करोगे आपकी इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई होगी। अगर आप इसको डिफरेंट नोटेशन में लिख सकते हो, एक जो इंटरवल नोटेशन है उसकी फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इन्फिनिटी से लेके फोर, क्यों फोर से कम कम, सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया यहां पे, फोर से कम कहां तक जाना है भाई, इन्होंने बोला है फोर से कम जाओ कहां तक भाई, फोर कहीं भी जाते जाओ, माइनस हंड्रेड पे चले जाओ, माइनस थाउजेंड पे चले जाओ, माइनस इन्फिनिटी पे कहीं भी चले जाओ, तो फोर से पीछे आपने आना है, कब तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन को देखो, आप इस तरह भी लिख सकते हो कि एक्स इज लेस देन फोर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके फोर तक सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन फोर इसमें इंक्लूड नहीं है, दैट्स व्हाई फोर पे मैंने यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई। यह है इंटरवल नोटेशन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो रियल नंबर लाइन में, तब भी आप लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, ये आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो फॉर एग्जाम्पल फोर यहां पर, अब फोर क्या इंक्लूड है, नहीं फोर इंक्लूड नहीं है, तो मैं ओपन कर देता हूं और यहां पे ये हाईलाइट कर दो, अब ये पूरा नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहीं रुकेगा नहीं, कोई इसकी लोअर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड तो फोर है लेकिन लोअर बाउंड कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, आपने इस टाइप का एरो डाल दिया। तो रियल नंबर लाइन से आप इस तरीके से भी बता सकते हो उसको, तो काफी इजी कॉन्सेप्ट होते, इतनी मुश्किल नहीं होती लीनियर इनइक्वालिटी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा हुआ भाई माइनस एक्स जो है वो माइनस एक्स अपॉन थ्री इज लेस देन टू एक्स प्लस वन। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वही काम करना है भाई, आपको सबसे पहले थ्री से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब करेक्ट इसका तरीका क्या है, नॉर्मली हम कहते हैं थ्री डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन करेक्ट तरीका क्या है कि इनइक्वालिटी को दोनों तरफ थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर माइनस एक्स होगा, और जब इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो सिक्स एक्स, इसको थ्री से करो तो ये थ्री हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आप एक काम करो कि सिक्स एक्स, ये जो माइनस एक्स है ना, इसको उस तरफ ले जाते हैं हम। करेक्ट तरीका क्या होगा, दोनों तरफ एक्स को ऐड करवा दो, तो यहां पे ऐड करवाओगे जीरो हो जाएगा, और यहां पे जब एक्स को ऐड करवाओगे ये सेवन एक्स हो जाएगा। फिर आपने एक्स की वैल्यू निकाली ना, थ्री को उधर ले जाते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में करेक्ट तरीका क्या होगा कि दोनों तरफ आप थ्री को सब्ट्रैक्ट करवाओ, यहां पर सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो जीरो हो जाएगा, यहां पर करवाओगे तो जीरो माइनस थ्री होता है। उसके बाद सेवन को आप डिवाइड करवा दो,
दोनों तरफ ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको पता है यार कि ये तरीका मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं एक्स को लिखना चाह रहा हूं, तो लिख लो आप। अब बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लेना तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मतलब आप -3/7 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी। -3/7 -0.5 से थोड़ा कम होगा, तो इससे बड़ी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 0 पुट करके देख लेते हैं। इससे बड़ी सबसे इजी वैल्यू 0 है, तो 0 पुट करके देखो, यहां पे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहां पे पुट करो 0 हो जाएगा, जस्ट 1 बचेगा। तो आपको पता है 0 इज लेस देन 1, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज ग्रेटर देन -3/7 में 2 भी आता है, 2 पुट करके देख लेते हैं, यहां पे 2 पुट करो ये हो जाएगा, 3 पुट करके देख लेते हैं इजी हो जाएगा। तो यहां पे 3 पुट करो तो -3/3 क्या होता है -1, यहां पे 3 पुट करो 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7, अगेन -1 < 7, तो आपकी इनइक्वालिटी ठीक है। अगेन इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अगर आप इसको इंटरवल नोटेशन में लिखोगे तो आप इस तरह लिख सकते हो -3/7 से ग्रेटर, भाई कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते रहो -3/7 से। अरे याद रखो जब आप इंटरवल नोटेशन में लिखते हो ना तो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप छोटा नंबर लिख रहे होते हो, फिर जाते हुए आप बड़े पे जाते हो, इन्फिनिटी बड़ा नंबर। अब यहां पे जैसे आप देखो 4, और जब इसके लोअर बाउंड नहीं है तो आप इन्फिनिटी को कंसीडर करते हो, नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो छोटा कौन सा होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 4, आप इसको इस तरह ही लिख सकते हैं 4 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी, वो सेंस नहीं बन रहा होगा, 4 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी है ही नहीं, मतलब हम इसका मतलब ये कि 4 लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है, सेंस नहीं बना रही ना उसकी बात। तो सबसे पहले आप लोअर लिख रहे होते हो फिर अपर लिख रहे होते हो, अगर अपर बाउंड कोई नंबर नहीं है तो आप इन्फिनिटी लिख दोगे, या अगर कोई लोअर बाउंड कोई नंबर नहीं है तो आप नेगेटिव इन्फिनिटी लिख दोगे, लेकिन सबसे पहले आप लोअर लिखते हो फिर आप अपर लिखते हो, ये छोटी छोटी बातें का ख्याल रखना। और अगर इनइक्वालिटी में सॉरी रियल नंबर लाइन में लिखोगे तो ये -3/7 को हाईलाइट करना और राइट में पूरा एरो लगा देना अप टू इन्फिनिटी तक, कहीं भी चला जाएगा वो। तो मेरे ख्याल में लीनियर इनइक्वालिटी में यही है, मुझे एक जगह पे एग्जांपल मिली थी, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का था, मैंने कहा वो भी आप लोगों को थोड़ा करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि किसी भी एक दिन या कोई भी आपको रेंज दी जाए कि या किसी दिन की रेंज दी गई है आपको कि आज जो टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड में इतना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल रात में या सबसे सुबह आपका 20 तक होगा, उसके बाद होते 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 दिन में आपका 30 या 30 से कम कम होगा, या तो टेम्परेचर 20 होगा या 20 से ग्रेटर, या 30 होगा या 30 से ग्रेटर, मतलब दिन के किसी टाइम 30 होगा, कभी 29 हो जाएगा, कभी 25 होगा, कभी 21, कभी 20, ये रेंज है सेंटीग्रेड के अंदर। और आपको बोलेंगे यार सेंटीग्रेड के अंदर रेंज है, इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करो कि फारेनहाइट में ये वाला टेम्परेचर क्या बनेगा, ठीक है। अब ये बेसिकली इनइक्वालिटीज है और ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बेसिकली आप जो सेंटीग्रेड की कन्वर्जन फारेनहाइट में होती है ना वो फॉर्मूला यहां पे लिख दो। तो फॉर्मूला क्या होता है 5/9 f - 32, ये फॉर्मूला होता है, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 फारेनहाइट -32, आपने ये लिख दिया 5/9 होता है 9/5 होता है। अच्छा उसके बाद आप क्या करोगे यहां पे, बस सॉल्व करना है आपने। सबसे पहले आपको पता है कि यार मैंने इस 5/9 को यहां से हटाना है, जब कंपाउंड इनइक्वालिटी होती है ना तो जो भी आप काम करते हो तीनों पे काम कर रहे होते हो, मतलब इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, तो आप सबसे पहले क्या करो 9/5 से मल्टीप्लाई करवा दो सबको, होगा क्या, ये 5/9 है ना, मैं अगर इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5/9 कैंसिल हो जाएगा और बाकी को भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब मैं इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे आई गेस 36 आ जाएगा, क्योंकि 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से ये 4 हो जाएगा और 4 × 9 = 36, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9/5 से तो ये 63 हो जाएगा, 30 ये 6 टाइम जाएगा, 54 हो जाएगा, तो ये 54 है। अच्छा दरमियान में क्या होगा भाई, 5/9 को जब मैं 9/5 से करूंगा ये तो खत्म हो गया, तो दरमियान में बचेगा f - 32। अब मुझे f की रेंज निकालनी है, फारेनहाइट की रेंज निकालनी है, तो -32 क्या करना है, हटाना है मुझे, मैं इनइक्वालिटी के सब तरफ 32 को ऐड करवा दूंगा, तो यहां पे 32 को ऐड करवाओ ये 68 हो जाएगा, यहां पे 32 को ऐड करवाओ ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे 32 को ऐड करवाओ तो ये 86 हो जाएगा। तो सेम टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में गिवन था आपने रेंज में कन्वर्ट कर लिया फारेनहाइट में, तो फारेनहाइट में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा 68 या 68 से ग्रेटर हो सकता है, और कहां तक जाएगा 86 तक या 86 से कम कम रहेगा, तो जो सेंटीग्रेड के अंदर था वो आपने फारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो लीनियर इनइक्वालिटी की ये भी आपको एग्जांपल मिल जाएगी जिसमें आपने
वही कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर कोई नेगेटिव नंबर होता तो फिर आप साइन चेंज कर देते, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतने बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज जो है उनको हम देखेंगे, उनके सॉल्यूशन पे आएंगे। अल्लाह हाफिज़।